पुष्पक विमान 21वीं सदी की भारत की एक अनोखी क्रिएशन जिसने एक बार फिर से एक नया माइलस्टोन हासिल किया है। और भारत को मिली इस बड़ी सफलता के बाद पीएम मोदी जी चाइना को एक और नया दर्द देने के लिए भूटान पहुंचे हैं, जहां पर पीएम मोदी जी का स्वागत देखकर चाइना के भी तोते उड़ गए हैं। अब इसी वीडियो के अंदर इन दोनों ही बड़ी खबरों को कवर करने वाले हैं। अब सबसे पहले आप लोगों को पुष्पक विमान के बारे में बताते हैं। पुष्पक विमान यानी कि RLV, जिसे रियूजेबल लॉन्च व्हीकल के नाम से भी जाना जाता है, और भारत की स्पेस एजेंसी इसरो ने एक बार फिर से अपने पुष्पक विमान या फिर यू कहें रियूजेबल लॉन्च व्हीकल का सफलतापूर्वक परीक्षण कर दिया है। अब सबसे पहले आप लोग ये आर्टिकल देखिए, उसके बाद आप लोगों को डिटेल में बताएंगे। दरअसल इस आर्टिकल में साफ है कि इसरो सक्सेसफुली कंडक्ट्स सेकंड लैंडिंग टेस्ट ऑफ पुष्पक इन कर्नाटका, यानी कि इसरो ने दूसरी बार रियूजेबल लॉन्च व्हीकल का सफलतापूर्वक परीक्षण कर दिया है, जो इसरो के साथ साथ पूरे भारत के लिए एक बड़ा माइलस्टोन है। आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दें कि RLV का पुष्पक नाम पीएम मोदी जी ने रखा था और पुष्पक नाम को रामायण से लिया गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पुष्पक विमान का सबसे पहले इस्तेमाल रावण ने किया था और इसी पुष्पक विमान से रावण ने माता सीता जी का हरण किया था। और अब इसी पुष्पक विमान के जरिए भारत एक नया इतिहास लिखने जा रहा है, क्योंकि इस रियूजेबल लॉन्च व्हीकल का इस्तेमाल भारत बड़े पैमाने पर करने वाला है, क्योंकि RLV का इस्तेमाल सभी रॉकेटों के साथ साथ लोअर ऑर्बिट की सैटेलाइटों में रिफ्यूलिंग के लिए भी किया जाएगा। और इस बार इसरो ने पुष्पक विमान का टेस्ट कर्नाटका में चित्रदुर्गा के पास एयरोनॉटिकल टेस्ट रेंज में किया है, जो अब आने वाले समय में भारत की स्पेस जर्नी को बदल के रख देगा। लेकिन अब आपको बताते हैं पीएम मोदी जी की भूटान विजिट के बारे में, जहां पर पीएम मोदी जी भूटान के बुलावे पर चाइना की ही छाती पर चढ़कर बैठ गए हैं। और पीएम मोदी जी का ये दौरा ऐसे समय पर हो रहा है जब कुछ दिन पहले ही चाइना ने पीएम मोदी जी की अरुणाचल प्रदेश की विजिट को लेकर भारत पर जमकर हमला बोला था, और चाइना ने कहा था कि अरुणाचल प्रदेश चाइना का ही इंटीग्रल पार्ट है और पीएम मोदी जी के पास कोई भी हक नहीं है कि वो अरुणाचल प्रदेश में जाएं। हाल की भारत ने चाइना के इन बेतुके बयानों की धज्जियां उड़ाते हुए ये साफ कर दिया कि अरुणाचल प्रदेश इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। और भारत ही नहीं, इस बार अमेरिका ने भी भारत का साथ दिया है कि अरुणाचल प्रदेश भारत का ही हिस्सा है और चाइना ऐसे बेतुके दावे ना करे। बस इसीलिए अब पीएम मोदी जी भूटान पहुंचे हैं और यहीं पर पीएम मोदी जी का धमाकेदार स्वागत हुआ है। अब आप लोग द हिंदू का खुद ही आर्टिकल देखिए, जिसमें साफ है कि पीएम मोदी जी अराइव्स इन पारो टू रिसीव भूटान हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, यानी कि पीएम मोदी जी भूटान के पारो में पहुंच गए हैं और भूटान के अंदर पीएम मोदी जी का जोरदार स्वागत हुआ है। और साथ ही साथ पीएम मोदी जी को भूटान के सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। दरअसल पीएम मोदी जी की भूटान की 24 घंटे की विजिट है और भूटान के बुलावे पर ही पीएम मोदी जी भूटान गए हैं, क्योंकि भूटान के किंग जिगमे खेसर नामग्याल वांगचुक ने ही पीएम मोदी जी को इनवाइट किया था, जिसके बाद पीएम मोदी जी की भूटान की ये पहली यात्रा है। क्योंकि 2021 में भी भारत ने भूटान की एक बड़ी मदद की थी, जब भारत ने भूटान को लगभग 5 लाख COVID-19 की वैक्सीन की डोज भेजी थी, जिसके बाद भूटान ने 2021 में ही पीएम मोदी जी को पुरस्कार देने की घोषणा की थी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।